जी बिल्कुल, राजधानी को शर्मसार करती है घटना 11 अक्टूबर की थी, जहां आज दिल्ली पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है जो गैंग रेप के दोषी हैं। आपको बता दूं कि एक लड़की जो ओडिशा से आती है दिल्ली जॉब करने के लिए, तो वहीं उसको प्रमोद और शमसुल नाम के जो लड़के हैं उनको मिल जाती है, जिसमें से आपको मैं प्रोफाइल बता दूं कि जो प्रमोद है वो कबाड़े का काम करता है और जो शमसुल है वो पैरों से विकलांग है और भीख मांगने का काम करता है। ये दोनों लड़के उस लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं, उसको सुनसान जगह पर घायल अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं। जब वो लड़की घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी होती है, जब उसको मदद की जरूरत थी तभी वहाँ एक ऑटो वाला पहुंचता है जिसका नाम प्रभु है। वो प्रभु उस लड़की को घायल अवस्था में ऑटो में बिठाता है, ले जाता है और राजघाट जैसी जगह सुनसान जगह ले जाकर एक बार फिर वो उसका रेप कर देता है। देखिए हैरानी करने वाली बात है कि जो लड़की पहले से ही पीड़ित है उस पर जो प्रभु था उसने भी रहम नहीं खाया और उसने भी सुनसान जगह ले जाकर गैंग रेप किया। तो वहीं पुलिस ने जब उस लड़की को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, और इलाज के लिए भी अस्पताल ऐसे नहीं लाया गया, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है कि रात को 3:30 बजे करीब सराय काले खां के बगल से नौसेना के एक अधिकारी गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि एक लड़की गंभीर और घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी है, तब वो उसको ले जाकर के अस्पताल में ले जाते हैं इलाज के लिए और इस तरह इस मामले का खुलासा होता है। तो लड़की तो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार थी, तो इलाज के लिए उसको प्राथमिकता दी गई, लेकिन जो लड़की ने प्राइमरी लेवल पर छोटी मोटी जानकारी दी उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक्टिव होते हुए करीब 700 सीसीटीवी फुटेज की जो है जांच की, और उसके बाद में करीब 150 ऑटो रिक्शा को ट्रेस किया, तब जाकर कहीं ये दिल्ली के दरिंदे जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे जिन्होंने निर्भया जैसे कांड को दिल्ली में अंजाम दिया। आपको मैं बता दूं कि एक जो लड़की है वो उड़ीसा से दिल्ली आती है जॉब के लिए, तो वो प्रमोद और शमसुल से मिलती है, किसी तरह से इनकी मुलाकात हो जाती है और ये एक सुनसान जगह ले जाकर उसका रेप कर देते हैं और रेप करने के बाद उसे गंभीर अवस्था में सड़क पर छोड़ देते हैं। तो वहीं जब उसके बाद में उसी सड़क के किनारे से जब प्रभु अपना ऑटो लेकर गुजरता है तो प्रभु भी उस लड़की को देखता है, इलाज के लिए वहां से ले जाता है, लेकिन इलाज के लिए ना ले जाकर के वो एक राजघर के पास जहां सुनसान जगह थी वहां लेकर रेप करता है। इस तरह ये तीनों आरोपियों की कहानी पूरी होती है, और इनमें सबसे जो हैरान करने वाला किरदार है वो शमसुल का है, जिसके दोनों पैर विकलांग है, जो भीख मांगने का काम करता है, शारीरिक रूप से असक्षम होते हुए भी उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। दूसरा जो प्रमोद है उसका वो कबाड़ा बिनने का काम करता है, उसका भी प्रोफाइल लो है, और तीसरा जो है प्रभु जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑटो चालक है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है और 11 अक्टूबर की रात जो वारदात हुई थी उसके मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है, और दिल्ली पुलिस ने इनकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। आप देख भी रहे होंगे कि न्यूज़ पोर्टल की स्क्रीन पर बारी बारी से उन दरिंदों की तस्वीरें रोटेट हो रही है जिन्होंने निर्भया कांड जैसे बड़े अक्षम्य अपराध को दिल्ली में अंजाम दिया और एक बार फिर उस घटना की याद दिला दी जो निर्भया कांड के नाम से आज तक लोगों के जहन में है। फिलहाल राहत की बात यह है कि पुलिस ने फिलहाल इन तीनों आरोपियों को अपने शिकंजे में ले लिया है और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है।